फ्रेंड्स अभी स्टार्ट हो गया है फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन, तो ऐसे में हमें लगता है कि भाई हमें सबसे सुंदर दिखने की जरूरत है, सबसे स्लिम दिखने की जरूरत है, फिट दिखने की जरूरत है और हमारे फेस को भी ग्लो करना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करें, कौन सा डाइट फॉलो करें, इसी सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो में लेके आई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये पूरा एक कंप्लीट डाइट प्लान है सुबह से रात तक का, कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्या क्या उन चीज़ों के फायदे हैं। तो पूरा डाइट प्लान अच्छे से सुनिए, समझिए क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ में बताती रहूंगी। और फिर आप उसको एज इट इज सिर्फ 7 दिन फॉलो करके देखिए, 7 दिन में आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा। इन 7 दिन में डाइट प्लान के साथ साथ और आपको क्या करना है वो भी आप ध्यान से सुनिए। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये डाइट प्लान तो आपको फॉलो करना ही करना है, जितना बताऊंगी उतना तो आपको खाना ही है। इसके साथ में आपको 3 से 4 लीटर पानी कम से कम जरूर पीना है। हाँ मुझे पता है मौसम थोड़ा ठंडा होने लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो सके और आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आए। बिकॉज जब आप हाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूद होती है। दूसरी चीज जो आपको 100% फॉलो करनी है वो है एक अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब है कम से कम 6 से 7 घंटे आप एक अच्छी नींद, डीप स्लीप जरूर लीजिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके स्किन को भी अच्छा करती है, जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन ऐसे रूखी रूखी सी हो जाती है, उसके लिए भी आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। और दूसरा, स्लिम होने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म का हाई होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म आपका हाई होता है जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं, आपका डाइजेशन उससे अच्छा रहता है। तो ये दोनों ही चीजों के लिए आपको अच्छी नींद भी लेना जरूरी है। ये दोनों चीजें आपको फॉलो करनी है। और अब देख लेते हैं हमारा डाइट प्लान। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल सुबह से। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है नींबू पानी। जी हाँ, बिना ब्रश के सबसे पहले आपको नींबू पानी लेना है। 2 गिलास पानी में आपको 1 नींबू निचोड़ना है और इसको पी लेना है। अगर आप इसको गर्म पानी में नींबू को निचोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी में नहीं निचोड़ते हैं तो आप रूम टेम्परेचर वाला पानी भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी पीने से एक तो आपका इंटेस्टाइन क्लियर रहता है, पेट साफ रहता है। इंटेस्टाइन क्लियर होने से एक तो आपका बेली फैट कम होता है और दूसरे ये आपकी फेस की स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नींबू में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो को इंक्रीज करता है। तो ये आपने सुबह उठते के साथ ही लेना है। अगर टाइम की बात करें किस टाइम लेना है, तो जब भी भाई आप सो के उठते हो तब आप इसको ले सकते हो। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप डाइट प्लान बताते हो लेकिन टाइम नहीं बताते। देखो सबके उठने का टाइम बिल्कुल अलग अलग है, कोई 5 बजे भी उठता है तो कोई 7 बजे भी उठता है तो कोई 9 बजे भी उठता है। ये आपके प्रोफेशन पे, आपके घर के माहौल पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप उठेंगे सबसे पहले आपको यही पीना है। अब इस पानी के आधे घंटे के बाद आपको लेने हैं नट्स। रात को आपको नट्स भिगो के रखने हैं, जिसमें आपको 4 बादाम लेने हैं, 2 वॉलनट लेने हैं यानी अखरोट लेने हैं, और लेनी है इसमें 6 किशमिश। जी हाँ, जो बादाम और अखरोट होते हैं इनमें नेचुरल ऑयल होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है। आपने कई सारे रेमेडीज में देखा होगा कि आमंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं फेस पे लगाने के लिए, ब्लैक हेड्स को दूर करने के लिए, डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए। तो उसको अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इसका और ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये आपको लेने हैं। और किशमिश आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है, और जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहता है तो आप नेचुरली ग्लो करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर आपका कम रहेगा तो आपकी स्किन डल ही रहेगी। चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, फेस के ऊपर से आप कुछ भी लगा लो, कितना ही फेशियल करवा लो, तब तक ग्लो नहीं आएगा जब तक कि आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगे। इसके लिए आपको सही न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए। तो ये हो गया नट्स। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट आपको करना है इन नट्स को लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो इसमें ब्रेकफास्ट में आप जो भी चीज़ें अभी तक ले रहे थे वो आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, बस आपको उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर देनी है। क्या चीज़ें नहीं लेनी है बस मैं आपको वो बता रही हूँ। चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, और पूड़ी पराठा यानी कोई भी फ्राइड चीज़ें आपको नहीं लेनी है अगले 7 दिन तक। ठीक है, 7 दिन तक आप ये सिर्फ फॉलो करो। 7 दिन में अगर इम्पैक्ट दिखे तो फिर आप इसको आगे तक फॉलो कर सकते हो, जब तक कि आपको आपका रिजल्ट ना मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, पूड़ी पराठा पकौड़ा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी, और इसके अलावा कोई भी मीठी चीज़ आपको नहीं लेनी है, क्योंकि शुगर आपके स्किन को लूज़ बनाती है, ढीला डाल देती है। जो स्किन ऐसे लटकी लटकी रहती है ना, जो लोग जितना ज़्यादा शुगर लेते हैं उनका स्किन का टेक्स्चर उतना ज़्यादा ख़राब होता है, और साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करती है और आपकी डाइट पर भी आपको फोकस नहीं रहने देती है। तो शुगर को अपनी डाइट से आप पूरी तरीके से हटा दीजिए। अगर आपको लो शुगर की प्रॉब्लम है या शुगर नहीं खाने से आपको सर में दर्द होता है, चक्कर जैसे आते हैं, तो आप इसकी जगह पे खजूर खा सकते हैं। ये आपकी आयरन की कमी को भी पूरा करता है और आपके अंदर ब्लड के लेवल को भी इंक्रीज करता है।
अब खाना क्या है, तो जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, या पोहा खाते हैं, इडली खाते हैं, या आप अगर डोसा खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। बस क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी कम कर लीजिए। एक कटोरी खाते हैं तो आज से आधी कटोरी खाना शुरू कर दीजिए, और चाय और कॉफ़ी की जगह आप दही और दूध का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको लेना है कोई एक साइट्रिक फ्रूट, जिसमें आप तरबूज ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। ये सारे फल आप ले सकते हैं क्वांटिटी में एक। केला अगर खाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वक्त में आप केला भी खा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट का जूस भी निकाल के पी सकते हैं बिना चीनी डाले। ये हो गया। जो फ्रूट्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, तो ये आपके स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को भी हाई करते हैं। तो ये हो गया आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लंच पे। तो लंच करने से पहले आपको एक प्लेट भर के सलाद खाना है। सलाद में जो भी कच्ची सब्जियां आपके आसपास में अवेलेबल हैं सलाद वाली, वो आपको ले लेनी है। चाहे इसमें आपका खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, कैबेज, कोई भी सब्जियां जो आप खाना चाहते हैं वो आपको लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर से आपको नमक नहीं डालना है। डालना ही है तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। नमक को आप पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, क्योंकि नमक को जब आप स्प्रिंकल करते हैं तो ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जिससे आपका पेट आपको फूला फूला महसूस होता है। तो ये आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ये हो गया आपका लंच के पहले। अब आ जाते हैं लंच में। लंच में आपको अगले एक वीक तक वाइट राइस नहीं खाना है। चावल को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, और इसकी जगह पे आपको 2 रोटी खानी है। कोशिश कीजिए कि मल्टीग्रेन रोटी मिल जाए, जैसे कि आप ज्वार की रोटी, ओट्स की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, ये आप खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं अवेलेबल है, नहीं बैठ रहा है इनका हिसाब, तो फिर आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 खानी है, 2 से ज़्यादा नहीं। कम में अगर आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 खानी है। अब एग्जैक्ट तो देखो तभी पता चलेगा जब आप कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएंगे, बाकी तो हाइट वेट के हिसाब से रहता है, लेकिन मैं एक जनरल ये बता रही हूँ। तो जनरल में आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लंच में आप कोई भी एक दाल खाइए और साथ में एक कटोरी दही लीजिए। दाल कोई सी भी ले सकते हैं, छोले, राजमा, अरहर की दाल या उड़द की दाल, कोई भी दाल जो आप खाना पसंद करते हैं, एक कटोरी दाल और एक कटोरी दही मस्ट है, वो आपको ज़रूर से लेना है। ये हो गया आपका लंच। लंच करने के आधे घंटे के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। कोई सी भी ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी आपके खाने को हजम करने में आपकी हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ग्रीन टी आपने ले लिया। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। सुबह अगर आपने फ्रूट नहीं खाया है किसी भी वजह से, तो आप शाम को एक फ्रूट ले सकते हैं, या फिर इस टाइम में आप 1 ग्लास छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, या फिर आप सत्तू का ड्रिंक बना के पी सकते हैं। बहुत सिंपल है, 1 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी में उसको घोलिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और बस इसको पी लीजिए। ये आपको हाइड्रेट करता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको ठंडक देता है और आपको काफ़ी फुल वाली फीलिंग भी कराता है, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपका कुछ सॉलिड खाने का मन है, भूख लग रही है, तो ऐसे टाइम में आप घर के बनाए हुए पॉपकॉर्न खा सकते हैं, या फिर आप मखाना रोस्ट करके खा सकते हैं। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इस टाइम पे भी सलाद खा सकते हैं, यानी कि 2 खीरे खा लीजिए या 1 गाजर खा लीजिए। इस तरीके से ये चीज़ें आप इस वक्त में खा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे डिनर में। डिनर में आप कोशिश करो कि रोटी और चावल दोनों को ही अवॉइड करो। उसकी जगह पे आप सूप ले सकते हैं, या तो फिर आप पालक पनीर ले सकते हैं, या कोई भी एक ग्रीन सब्जी आप बना के ले सकते हैं। ये ग्रीन सब्जी आपकी लौकी, तुरई, पालक, मूली, सलजम, कुछ भी हो सकती है जो आप खाना पसंद करें, या फिर आप सारी सब्जियों को उबाल के इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक छिड़क के आप इसको भी खा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का और फाइबर का। फाइबर ज़रूरी है आपके पेट को क्लियर रखने के लिए और आपके हंगर को सप्रेस करने के लिए। अब आपका डिनर हो गया। डिनर करने के आधे घंटे के बाद आपको फिर से 1 कप ग्रीन टी लेना है। तो ये आपके पूरे दिन का शेड्यूल हो गया, सुबह से शाम तक का। इसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। जो 2 रूल मैंने शुरू में बताए हैं वो भी आपको 100% फॉलो करने हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।